एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गार्डनिंग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेस्ट हो गया और कीट पतंगे हो गए या कोई बीमारी लग गया, फंगस हो गया। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो हमारे प्लांट्स में आती रहती हैं। कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं कि जो बाहर से हमारे गार्डन में आ जाती हैं, कि जैसे कोई भी प्लांट आप उगाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो उसमें आप समझ लीजिए केवल उसमें आप ही का हिस्सा नहीं होता है, जो भी जानवर हैं, क्रिएचर हैं, वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। तो अगर आप टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो टेरिस गार्डनिंग में दो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, और उनमें एक हो गया गिलहरी और दूसरे हो गए बंदर। तो गिलहरी को जो है आप अगर आपके गार्डन में ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं गिलहरियाँ, या आपके प्लांट्स को खा जाती हैं या जो फ्रूट आते हैं उनको खा जाती हैं, तो उनका सबसे अच्छा उपाय है कि उनको खाने के लिए आप कुछ रख दीजिए, तो आपके प्लांट्स तो आपके प्लांट के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगी। वो जो आप उनके लिए फूड रख देंगे उसी को खाती रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखें उनके लिए कुछ ना कुछ रख दें तो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जानवर जो होता है बंदर, ऐसा होता है कि उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप साधारण तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने गिलहरी के लिए मैंने बताया उनको खाने के लिए कुछ रख दीजिए, तो आपके प्लांट के साथ वो दिक्कत नहीं होगी, कोई भी उनको वो के प्लांट जो है उनके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन बंदर के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर बंदर के लिए आपको कुछ खाने के लिए अपने गार्डन में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनको खुद न्योता दे रहे हैं अपने प्लांट को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर उनको आदत पड़ जाएगी कि यहाँ इस गार्डन में उनको कुछ खाने के लिए मिल रहा है, तो वो बार बार आएंगे, और जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आपके प्लांट को तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देंगे। मैंने भी अपने गार्डन में कई बार ये दिक्कतें उठाई हैं। प्लांट लगाने के बाद बंदर आते थे और पूरा गार्डन जो है उसको तोड़ ताड़ के चले जाते थे। तो इससे पहले भी मैं शुरुआत में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर कि आप बंदरों से अपने गार्डन को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में दिक्कत ये थी कि शुरुआत का वीडियो था, तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था वीडियो बनाने का, तो उसमें साउंड जो थी वो काफ़ी कम थी। तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स उसमें आया था कि साउंड की दिक्कत है, तो उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो आज का वीडियो दोबारा इसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि इस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं कि मैंने अपने गार्डन में क्या किया हुआ है बंदरों से अपने प्लांट की सुरक्षा के लिए, तो गार्डन को सिक्योर कर सकते हैं बंदरों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। और कुछ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, या जो मैंने ये अप्लाई किया है जो बंदरों से अपने गार्डनिंग सुरक्षा के लिए कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक फेंसिंग कहा जाता है, जो कि जो किसान लोग होते हैं अपने खेतों के चारों तरफ करते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहे के तार खेत के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं और उसमें करंट जो है दौड़ा दिया जाता है, जिससे भी कोई भी जानवर आएगा तो उसको शॉक लगता है और वो दोबारा उस खेत की तरफ नहीं आता है। बिल्कुल वही सिस्टम मैंने अपने गार्डन में अप्लाई किया हुआ है। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको एक फेंसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तो आप इसको रेडीमेड बना बनाया खरीद सकते हैं, जो कि लगभग 3,500 से 4,000 या 5,000 तक की पड़ती है, जैसा भी आपका लोड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पड़ जाती है। नॉर्मली 3,000 से 4,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगी। और या तो दूसरा तरीका है कि आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इस तरीके से आप जैसे पार्ट्स जो होते हैं, इसके पार्ट्स भी आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। आप उनको पार्ट्स को अलग अलग लेके और इसको असेंबल कर सकते हैं। तो असेंबल करने के लिए ये है कि अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इसको असेंबल कर पाएंगे,
नहीं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको रेडीमेड खरीद लीजिए। बट मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है, जानकारी है, तो मैंने सारे पार्ट्स ऑनलाइन मंगा के इसको इस तरीके से असेंबल कर लिया था। देखिए एक छोटा सा डब्बा है, उसी में मैंने इसको असेंबल किया। इसको देखिए ऑपरेट करने के लिए डीसी 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने एक ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर लगाया हुआ है, जो कि एसी सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसके यहाँ से सॉकेट से ये दो तार आपको दिख रहे होंगे, ये गए हैं मशीन में गए होंगे, जो कि 12 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि ये मशीन ऑपरेट होती है। और ये एक बैटरी मैंने लगाई है, जिससे कि जब मेरी लाइट चली जाती है तो बैकअप के लिए ये काम करती है। और ये बैटरी भी मेरी इस अडाप्टर से ही चार्ज होती है, 2 एम्पियर का अडाप्टर है, तो बैटरी जो है धीरे धीरे आराम से चार्ज होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो हो गया वो मशीन का डब्बा, और दूसरा हो गया ये दूसरा डब्बा जो हो गया, ये दो पार्ट्स मेन होते हैं। तो इसमें इस डिब्बे में देखिए आपको दिख रहा है लिक्विड से भरा हुआ, तो ये ऑयल है। ऑयल में एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, जो कि लगभग 400 या 500 600 जो वोल्टेज निकलते हैं मशीन से, उनको एम्पलीफाई करके कम से कम ये 10,000 वोल्टेज के आसपास, 10,000 12,000 या 15,000 के आसपास वोल्टेज जो है निकालता है। और ये दो टर्मिनल बने हुए हैं, एक टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे फेंसिंग है, और ये दूसरा टर्मिनल है, ये अर्थिंग मिली हुई है इसको। और ये देखिए ऊपर एक वायर गया हुआ है, वायर भी देखिए मैंने जो पाइप होता है प्लास्टिक का उसके अंदर डाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज होता है, जिससे कि करंट जो है इधर उधर लीक ना हो। इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, जो कि तार का जो कनेक्शन होता है, वो हमारे जो लोहे का पोल हम लोग लगाते हैं या जो मैंने लगाए हैं, उनका कनेक्शन जो है तार का कनेक्शन पोल से नहीं होने देते हैं, उनका उनको जो है पोल से दूर रखते हैं, तो इनको इंसुलेटर कहते हैं। ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो जब मैंने अपनी मशीन को बनाया था, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की हुई थी कि मुझे ये इंसुलेटर नहीं मिल पाए थे, क्योंकि अगर आप पूरा सेट ख़रीदते हैं तो जो वायर होता है, सॉरी जो बेचने वाला होता है, वो पूरा आपको सिस्टम पूरा बना के देता है, इंसुलेटर भी देगा, मशीन भी देगा, वायर भी देगा, सब कुछ आपको देगा। बट मैंने सभी सामान जो है अलग अलग ख़रीदा था, तो जो मैंने मशीन बनाई थी वो केवल मशीन के पार्ट ही इसमें मिले थे। अब वो दिक्कत ये हो जाती है कि ये मशीन आपने अलग से ख़रीद ली, तो कोई भी आपको ये केवल इंसुलेटर नहीं देता है, वो पूरा सेट आपको देता है। तो मैंने कई लोगों से बात भी करी इस चीज़ के, लेकिन उन्होंने लोग मना कर दिया कि हम अलग अलग से कोई चीज़ें नहीं बेचते हैं, आप पूरा सिस्टम ख़रीदिए तो आपको उसके साथ में इंसुलेटर भी हम देंगे। लेकिन चलिए, काफ़ी मशक्क़त के बाद एक सज्जन हमको मिले ऐसे, जिन्होंने मुझको ये इंसुलेटर दे दिए, तो इनका मैंने यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये इंसुलेटर नहीं, या अगर आपको मिलते हैं, मुझे भी नहीं मिले थे, तो मैं आपको वो जुगाड़ बता रहा हूँ जो मैंने पहले इसको ट्राई किया था। तो इस तरीके का एक पाइप आता है, जिसको मिस्त्री, जो मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको लेवलिंग पाइप बोला जाता है, काफ़ी पतला होता है। और तो इसी का मैंने यूज़ किया हुआ था। इसको यूज़ मैंने कैसे किया था कि इसको मैंने लगभग आधा आधा फुट के टुकड़ों को काट लिया था, और उन आधा फुट के टुकड़ों को काट काट के वायर के अंदर मैंने इसको डाल दिया था, पहले से ही डाल दिया था। मैंने देख लिया था कि कितने पोल हैं और कितने पोल से होके वायर गुजरेगा, तो उतने ही पाइप मैं पहले से ही उसमें डाल देता था। और जैसे जो जहाँ पाइप आता था वो, तो उसमें मैं जो पोल पे लगाना पड़ता था पाइप जो आता था, तो वहाँ पे मैं इसको किसी टाई से या किसी प्लास्टिक की रस्सी से उसको मैंने बांध दिए थे, तो जिससे कि मैंने ये सस्ते में मेरी इंसुलेटिंग हो गई थी। लेकिन बाद में मुझे ये इंसुलेटर भी मिल गए थे, तो जिससे कि मैंने फिर इनको हटा दिया था और फिर मैंने इंसुलेटर लगा दिए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये पाइप को जो है अपने तार में इंसुलेटर की तरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पोल लगे हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने पोल लगाए हुए हैं, और इनमें देख रहे हैं इंसुलेटर लगा हुआ है, जो कि इस बोल्ट की सहायता से कसा हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे इंसुलेटर अगर नहीं लगा होगा, तो जितना ये पीछे निकला हुआ है उतना ही ये बोल्ट आगे निकला होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको पाइप को जो है काट के, टुकड़ा काट के, और इस तरीके से आगे साइड में,
अभी तो मैं पीछे पीछे से दिखा रहा हूँ, पीछे का इस तरह देखो, आगे के साइड में इस तरीके से उसको रख के, और आप किसी प्लास्टिक की टाई से या किसी प्लास्टिक की रस्सी से बांध सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको भाई लोहे की या जनाब मेटल की कहाँ कोई भी से तार यूज़ नहीं करती है करनी है, क्योंकि फिर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि पोल में करंट उतर जाएगा और आपकी मशीन काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में ये जुगाड़ फिट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो, मैं हमेशा आप